अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसान दानिश और मैं आज आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ जो कि रिलेटेड है ब्लू होस्ट के। तो ब्लू होस्ट को आप काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे। इस वजह से ये मेरा लास्ट वीडियो है ब्लू होस्ट के रिलेटेड, और इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चन कवर करूँगा जो कि ऑडियंस की तरफ से पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या साइन अप करवाने पे ही $65 मिलेंगे, या कोई हमारा जो वो यूज़र है या जिसको हम रेफरल कर रहे हैं वो कोई चीज़ परचेज़ करेगा तब हमें $65 मिलेंगे। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जब कोई भी बंदा ब्लू होस्ट पर जाकर साइन अप करता है तो पहले उसे कोई चीज़ परचेज़ करनी पड़ती है, तभी वो साइन अप कर पाता है। तो फॉर श्योर उसे कोई चीज़ परचेज़ करनी पड़ेगी, तभी वो $65 का कमीशन आपको मिलेगा उस चीज़ का। ओके, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास कि कितने डॉलर्स पे विड्रॉल है। बेसिकली विड्रॉल देते हैं ये 2 के पेयर के अंदर। लेट्स से आपने एक साइन अप करवाया, उसके $65 आपके पास आ गए, अगेन आपने $65 के एक और साइन अप करवाया, उसका आपको कमीशन $65 मिला। तो अब ये पेयर बन चुका है, मतलब 2 साइन अप आप करवा चुके हैं, तो इसका मतलब एक पेयर बन गया और ये पेमेंट विड्रॉएबल है। ओके, और 2 से आगे कितनी भी साइनअप्स होते जाएं वो काउंट होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे और एक ही दम से निकल आएंगे। तो एक साइनअप, सिंपल एक साइनअप आपने करवाया तो उसकी पेमेंट आप सिंगल में नहीं ले सकते, पेयर होगा तब ही विड्रॉल निकलेगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ओके, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास के टैक्स फॉर्म किस तरह से फिल करना है, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाके देख लें। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि पेमेंट डेट क्या होगी, मतलब किस डेट को जो ब्लू होस्ट वाले हैं वो हमारे पेपाल के अंदर पेमेंट भेज देंगे, राइट। तो बेसिकली लेट्स सपोज आपने जनवरी के स्टार्ट के अंदर एक साइन अप करवाया है, आपको उसका कमीशन मिल गया, आपने सेकंड साइन अप भी जनवरी के स्टार्ट में ही करवा दिया या कभी भी करवा दिया जनवरी के अंदर अंदर, तो उसका भी आपको साइन अप का कमीशन मिल गया, 65 प्लस 65 $130 आपके अकाउंट में आ चुके हैं। अब ब्लू होस्ट क्या करेगा, विद इन 45 डेज, नेक्स्ट 45 डेज के अंदर वो आपके अकाउंट में भेज देगा, और वो पेमेंट डेट होती है वो 16 से लेके 30 तक, मतलब नेक्स्ट मंथ की। जैसे जनवरी में आपने साइन अप करवाएं तो फेब्रवरी के अंदर 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक वो आपको विड्रॉल देगा। तो बेसिकली 45 डेज़ का पीरियड होता है ये विड्रॉल का। उसमें क्या है कि बेसिकली ब्लू होस्ट की रिफ़ंड पॉलिसी है 45 डेज़ की, कि अगर कोई क्लाइंट आपके रेफरल से आ रहा है, उसने कोई चीज़ परचेज़ कर ली, अगर वो फिर उसको रिफ़ंड ले लेता है तो उसका आपको कमीशन नहीं मिलता, मतलब उसको वो सर्विस होस्टिंग पसंद नहीं आती और वो क्लाइंट जो है वो रिफ़ंड ले लेता है, तो फिर आपको उसका कमीशन रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस वजह से 45 डेज़ के अंदर आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। ओके, यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है कि पेपाल पाकिस्तान के अंदर किस तरह से अटैच करें। इंडिया का तो ये प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पेपाल किस तरह से क्रिएट करें, तो इसके 2-3 मेथड्स हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पहला सबसे पॉपुलर मेथड ये है कि आपके किसी दोस्त के पास है कोई पेपाल, या फिर मार्केट के अंदर बहुत सारे एक्सचेंजर्स पड़े हैं ट्रस्टेड जो कि आपको पेपाल की आईडी दे देंगे कि ये पेपाल ले लें और इसके ऊपर आपकी पेमेंट्स आ जाया करेंगे। इवन मैं खुद इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैं पेपाल की ईमेल ले लेता हूँ, वो इसके साथ अटैच कर दिया, और अटैच करने के बाद जितनी भी मेरी पेमेंट्स होती हैं उस एक्सचेंजर के पास चली जाती हैं और वो मुझे उसका पेमेंट लोकल अमाउंट में कर देता है। और दूसरा पॉपुलर तरीका ये है कि आपका अगर कोई भी रिश्तेदार, भाई बहन, कोई भी एनीवन बाहर के कंट्री रहता है पाकिस्तान के अलावा, यूएई कहीं पे भी, तो वो वहाँ पे एक पेपाल क्रिएट कर ले और सिंपल आपको उसकी लॉगिन्स दे दे। आप यहाँ पे लॉगिन ना कीजिएगा उसे, अगर आपका दोस्त वहीं से लॉगिन करेगा तो ज़्यादा बेटर है, अगर आप यहाँ से वही पेपाल लॉगिन करेंगे तो उसके ब्लॉक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो रिकमेंडेड यही है कि वही शख्स उसको वहाँ पे लॉगिन करें। आपने सिर्फ सिंपल करना ये है, उससे एक अकाउंट बनवा लेना, उस ईमेल को यूज़ कर लेना अपने ब्लू होस्ट के अकाउंट के अंदर। उसके बाद क्या होगा, जब आपकी पेमेंट विड्रॉल का टाइम आएगा उस अकाउंट में चले जाएंगे, आप अपने दोस्त को कॉल करके कहें कि किसी भी एक्सचेंजर से रابطہ कर लें और उसकी तरफ वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें, वो आपको लोकल पे कर देगा।
तो ये सिंपल से तरीके हैं। अगर हम बहुत सारे ट्रिकी मेथड्स में जाएं पेपाल के में, तो उनमें काफ़ी रिस्क है, आप अपनी पेमेंट को लॉस भी कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। आई होप ब्लू होस्ट के रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे क्लियर कर दिए। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर इसी तरह के कुछ अमेजिंग टॉपिक्स के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।